सब्सक्राइब कीजिए सीमा स्मार्ट किचन चैनल को, बेल को क्लिक कीजिए, इससे सबसे पहला इजी यमी वेज रेसिपी का मैसेज आपको आएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीमा स्मार्ट किचन। आज हम एक रिक्वेस्टेड रेसिपी बनाएंगे, एक्वाफाबा। एक्वाफाबा एग रिप्लेसर के रूप में यूज किया जाता है। जिन्हें केक और बेक में रुचि है और वो एग्स नहीं खाते हैं तो इसका यूज कर सकते हैं। आप मेरे चैनल पे इससे रिलेटेड और भी रेसिपीज देखेंगे। और चलिए आज देखते हैं एक्वाफाबा कैसे बनाते हैं। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए और बनाइए परफेक्ट एक्वाफाबा। एक्वाफाबा बनाने के लिए हमें चाहिए काबुली चने और आइसिंग शुगर। 1.5 कप काबुली चने लीजिए, इन्हें साफ कर लीजिए, पानी से धो लीजिए और रात भर या फिर 12 घंटे के लिए इसे पानी में भीगने दीजिए। जब ये अच्छे से भीग जाए तब इसे कुकर में डाल देना है। इसमें 4 से 5 कप पानी डाल दीजिए, कुकर बंद कर दीजिए और गैस पे चढ़ा दीजिए। लगभग 7 से 8 सीटी होने दीजिए, फिर कुकर को ठंडा होने दीजिए। ये इतना कुक हो जाना चाहिए, बिल्कुल हाथ में लेते से ये दब जाना चाहिए, इस टाइप का कुक होना चाहिए। उसके बाद इसे छान लीजिए। इसमें के चने हम अलग कर लेंगे और इस पानी को यूज़ करेंगे। इस पानी को एक पैन में डाल दीजिए। ऐसा फैलता हुआ पैन लेंगे तो ये जल्दी बन जाएगा। फिर इसे गैस पे रख दीजिए और उबाल आने दीजिए। बीच बीच में इसे चलाते रहिए। इसकी जितनी क्वांटिटी है इसमें से ये 1/4 बचना चाहिए। बॉईल किए हुए जो छोले अलग से निकाल लिए थे उससे आप कोई भी सब्जी बना सकते हैं। बन जाने के बाद छन्नी से छान लीजिए। ये लगभग 1 कप पानी बचा है। अब इसे बंद कर दीजिए और फ्रीज़र में लगभग 24 घंटे के लिए रख दीजिए। 24 घंटे बाद ही हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अब हमें जितना बनाना है उतना ही लेना है। मैंने यहाँ पे 1/2 कप आइसिंग शुगर ली है और इसमें इस टाइप का 1/2 कप एक्वाफाबा डाल देना है। फ्रीज़र से थोड़ी देर बाहर निकाल के रख लिया है, थोड़ा ये सॉफ्ट हो गया है। उसके बाद इसमें से 1/2 कप ले लीजिए और 1/2 कप आइसिंग शुगर में इसे मिला लीजिए। आइसिंग शुगर के बदले पाउडर शुगर भी यूज़ की जा सकती है, पर उसे भी अच्छे से छान के ही लेना होगा। मिल जाने के बाद इलेक्ट्रिक बीटर से इसे बीट करना है, इस टाइप से। लगभग 2 से 3 मिनट तक स्लो स्पीड में ही इसे बीट कर लीजिए। उसके बाद स्पीड बढ़ा दीजिए, 3 से 4 मिनट तक मीडियम स्पीड पर रहने दीजिए। फिर उसके बाद हाई स्पीड कर दीजिए। लगभग 10 मिनट में ये बन के तैयार हो जाएगा। इसके बन जाने के बाद इसे आपको तुरंत यूज़ करना होगा। अगर आप इसे फ्रिज में रख देते हैं तो आपको फिर से 2 से 3 मिनट इसे बीट करना होगा, फिर से ये सेम तैयार हो जाएगा। ये ख़राब नहीं होता है, इसे ओवर बीट भी किया जा सकता है। लीजिए, तैयार है परफेक्ट एक्वाफाबा। अब आप इसे एग रिप्लेसर के रूप में यूज़ कर सकते हैं। एक्वाफाबा का जो पानी हमने फ्रीज़र में रखा है उसे हम 10 से 12 महीने तक फ्रीज़र में रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता है। एक्वाफाबा से बनाई हुई कुछ रेसिपी भी मैं अपलोड करूँगी, इसलिए इस चैनल को देखते रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, न्यू अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।